अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शौक़ हासिल करूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उनवान है कि अगर आप नौजवान हैं और आपके रिश्ते ना रहे हो तो ये अमल करें, इंशाल्लाह रिश्तों की लाइन लग जाएगी। लेकिन इससे पहले किस अमल के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ है उसकी गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन याद रखें, हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं, नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। याद रखें, हमारा सेंटर रूहानी सेंटर टोना जादू सिपली बिलक मैजिक शैतानी और गंदी हरकतों के ज़रिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप ये चाहते हैं कि आप जवान जवान हो चुके हैं, चाहे वो जवान लड़के हों या लड़कियाँ हों, और उनके रिश्ते ना आ रहे हों, दिक्कत हो रही है माँ बाप को बहुत ज़्यादा और माँ बाप परेशान हो चुके हैं, तो उसके लिए इस तावीज़ मुबारक का काफ़ी इस्तेमाल करें। बहुत ही आसान अमल है, इंशाल्लाह अगर इसको अंजाम देंगे तो आपके यहाँ रिश्ते आएंगे और आपकी शादी भी हो जाएगी। करना क्या है, सबसे पहले पाक साफ हो जाए, उसके बाद रूबा क़िबला बैठ जाए, दिन के उजाले में इस तावीज़ मुबारक को लिखें। लिखने का आगाज़ करेंगे, पहले लिखेंगे 786, फिर उसके बाद 7 0 8 8 8, फिर 0, फिर 2 8 8 8, इस तरीके से लिखें। और जब लिखेंगे तो अपना तस्वूर कर लें कि अल्लाह को ऐसा सबब बना दे जिसकी वजह से मेरी शादी हो। जब भी तावीज़ मुकम्मल हो जाए तो इस तावीज़ को एक बोतल ले लें और उस बोतल के अंदर इस तावीज़ को रख करके उसका मुँह ढक करके उसको बोतल को जो है घर के किसी कोने में रख दें, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपने जिस मकसद के लिए इस तावीज़ का इस्तेमाल किया है, बनाया है, इंशाल्लाह आपके रिश्तों की लाइन लग जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी और आपका घर आबाद हो जाएगा। बहुत मुजरब अमल, इसका इस्तेमाल करें। इजाज़त के लिए शर्त वाले कमेंट में जाके या अल्लाह मोहम्मद लिख दें, हमारी तरफ से आपको इजाज़त मिल जाएगी। फिर मिलते हैं दूसरे नशस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।